एक ताज़ा अपडेट आपसे शेयर करें कि आईटी बोर्ड हुकाम के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन सोशल मीडिया पर पार्ट टाइम बिजनेस नहीं कर सकेंगे। मुस्तबिल में सरकारी इदारों में फेसबुक, यूट्यूब, यूएसबी के इस्तेमाल पर पाबंदी की तजवीज़ है। इसकी तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ अली भट्टी से। आसिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। हुकूमत का सोशल मीडिया कंट्रोल का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। पहले मरहले में इसका निशाना सरकारी मुलाजमीन होंगे और वही पाबंदी की जद में आए हैं। इस सिलसिले में हमें ये बताया गया है एक कायमा कमेटी आईटी की इजलास के दौरान कि सरकारी अफसरान या मुलाजमीन सोशल मीडिया पर पार्ट टाइम बिजनेस भी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जो मुस्तकबिल में सरकारी इदारों में फेसबुक, यूट्यूब और जो यूएसबी पर्सनल इस्तेमाल की जाती है उस पर भी पाबंदी होगी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि एक मजमूई तौर पर वफाकी हुकूमत ने निज़ाम लाने की प्लानिंग कर ली है जिसके तहत एक सर्वर बनाया जाएगा जो कि पूरे सिस्टम को चलाएगा। उसमें सोशल मीडिया पर जो खबरें अभी चलती हैं उनकी तस्दीक का निज़ाम बनाने के लिए एक अथॉरिटी बनाने की तजवीज़ हुकूमत को पेश कर दी गई है। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड इन सारे मामलों को देखेगा और सोशल मीडिया पर जो जाली खबरें हैं उनकी रोकथाम के हवाले से भी इकदाम किए जाएंगे। इसके अलावा ई ऑफिस बनाए जा रहे हैं तमाम वजारतों के अंदर और उन वजारतों का ये काम होगा कि वो तमाम आपस में मुंसलिक होंगी और किसी भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले वफाकी हुकूमत से मंजूरी लेना जरूरी होगी। इसके अलावा जो NIT भी सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम एक बना रहा है जिसको वो होस्ट भी करेगा और उसी के तहत एक निज़ाम होगा और व्हाट्सएप की तर्ज पर जो सर्विस होगी वो भी मुतारफ करवाई जाएगी। सरकारी मुलाजमीन व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हुकूमत पाकिस्तान व्हाट्सएप तर्ज का एक सर्वर बनाएगी जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन अपनी महकमाना दस्तावेजात अपने जाती व्हाट्सएप पर शेयर नहीं कर सकेंगे और व्हाट्सएप की तरफ पर जो एक सर्विस जो लाई जाएगी वफाकी हुकूमत की तरफ से वो उससे वॉइस मैसेजेस, वीडियोस और दस्तावेजात भेजी जा सकेंगी लेकिन प्राइवेटली उसको शेयर नहीं किया जा सकेगा। शुक्रिया आसिफ हमें अपडेट करने के लिए।